दोस्तों भी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज छोटी छोटी मगर मोटी बातें वाली सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं कर्क रेखा पर स्थित देशों के बारे में। दोस्तों इस सीरीज में हम बहुत सारे वीडियो लेक्चर पहले बना चुके हैं। जो भी भाई बहन हमारे नए हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ जाकर आप पुराने वीडियो लेक्चर को आप अवश्य देख लें, ठीक है। तो आज हम कर्क रेखा पर स्थित देशों के बारे में देखेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से इन्हें हम याद रखेंगे, ठीक है। आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जितने भी कर्क रेखा पर देश पढ़ते हैं आसानी से आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हमारे द्वारा दिए जा रहे वीडियो लेक्चर्स जो ट्रिक्स आपको पसंद आ रही है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं कर्क रेखा पर स्थित देशों के बारे में। कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए हमारी शुरुआत वहीं से होती है। हमारा एक स्टूडेंट है बंटी, तो बंटी अपने टीचर से बोलता है कि सर आज आप मुझे कर्क रेखा पर स्थित देशों के बारे में बताइए। इससे पहले आपने मुझे बताया था भूमध्य रेखा पर स्थित देशों के बारे में और मकर रेखा पर स्थित देशों के बारे में, वो मुझे अच्छे से याद हो चुके हैं। तो आज आप मुझे कर्क रेखा पर स्थित देशों के बारे में बताइए। तो उसका टीचर कहता है कि ठीक है, तो सबसे पहले देख बंटी कर्क रेखा कहाँ पड़ती है। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि कर्क जो हमारी पृथ्वी पर ये तीन मुख्य रेखाएं हैं, ठीक है, ग्लोब पर। तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। तो मकर रेखा पर स्थित देश और भूमध्य रेखा पर स्थित देशों के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए, तो उसका टीचर कहता है कि देख बंटी कि कर्क रेखा जो है तीन महाद्वीपों उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के 18 देशों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर देखिए कर्क रेखा जो है तीन महाद्वीपों, ये उत्तरी अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका येलो कलर वाला, ठीक है, और एशिया, ये हमारा एशिया महाद्वीप। तो इन तीन महाद्वीपों के 18 देशों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों हमें ये 18 देश ही याद करने हैं और 18 देश याद करना दोस्तों काफ़ी कठिन हो जाता है। अगर आप इस तरीके से रट्टा मारेंगे तो आप 18 देशों को याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा तरीका लेकर आया हूँ, ठीक है। तो चलिए अंत तक देखते रहना। तो उसका टीचर कहता है कि चल बंटी मैं तुझे आज याद दिलाता हूँ, यानी याद कराता हूँ कर्क रेखा पर कौन कौन से देश पढ़ते हैं। तो चलिए, तो उसके टीचर ने कहा कि बंटी स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक लड़की है रिया, एक लड़की है इसका नाम है रिया। तो रिया और उसका एक दोस्त है भरत, उसके दोस्त का नाम है भरत। तो कुछ लोगों ने रिया पर इल्जाम लगाया, कुछ लोगों ने रिया पर इल्जाम लगाया कि तू जो है एक माली था, उस माली से मिली थी अकेले में, तू उस माली से मिली थी अकेले में। दोस्तों याद करने का एक तरीका है, आराम से पेशेंस बना के बने रहना, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो कुछ लोगों ने इल्जाम लगाया रिया पर, तो उसका दोस्त मानता नहीं है। तो वो दोस्त कहता है कि रिया ना मिली माली को आड़ में, ठीक है, आड़ में मतलब अकेले में। तो जो और दोस्त थे, जो जनता थी, वो इल्जाम लगा रही थी कि रिया तू जो है आड़ में माली को मिली थी। तो भरत मानता है रिया ना मिली माली को आड़ में, भरत मानता है, ठीक है। भरत जब वो लोग जो है उसकी बातों का विश्वास नहीं कर रहे थे तो भरत जो है निराश हो जाता है। तो भरत कहता है निराश होके कि बच्ची है वह झूठ बोलकर मैं रब की मार खाना नहीं चाहता। रब की मार मतलब भगवान मुझसे नाराज हो जाएंगे अगर मैं झूठ बोलूंगा। तो भरत से वो पूछते हैं कि तू बता सच सच, ठीक है। तो भरत कहता है कि बच्ची है वह झूठ बोलकर मैं रब की मार खाना नहीं चाहता। तो बस यही हमारी ट्रिक है दोस्तों, तो बस एक से दो बार आप इसे पढ़ लें। तो सबसे पहले रिया ना मिली माली को आड़ में, भरत मानता है, फिर कहता है कि बच्ची है वह झूठ बोलकर मैं रब की मार खाना नहीं चाहता। तो ये हमारी ट्रिक है, इसी में हमारे 18 देश छुपे हुए हैं। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे 18 देश कौन कौन से हैं, इसमें कोई एक भी नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इस ट्रिक के बारे में समझाता हूँ आगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है रिया ना मिली माली को आड़ में। तो इसमें
जो रेड कलर से जितने भी दिखाए गए हैं वही कंट्री हैं। तो दोस्तों इसमें तो सारी कंट्री हैं, ठीक है। तो रिया से हो गया अल्जीरिया, रिया से हो गया अल्जीरिया, ना से हो गया नाइजर, ना से नाइजर, और मे से हो गया मिस्र, और ली से हो गया लीबिया, ली से लीबिया, और माली में माली से हो गया माली, को से हो गया मोरक्को, आर से हो गया चार, और मै से हो गया मेरिटोनिया, मै से हो गया मेरिटोनिया। तो ये सारे देश जो है कर्क रेखा पर पड़ते हैं, और यह एक ही महाद्वीप के देश हैं जो अफ्रीका में पड़ते हैं, जो एक ही महाद्वीप के द्वीप हैं, देश हैं सॉरी, जो अफ्रीका में पड़ते हैं। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों ऐसी ट्रिक बनाने में, मैं ये समझ लो पूरा पूरा दिन निकाल देता हूँ ये सब बनाने में आपके लिए, सिर्फ आपको मैं ये सब फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्लीज़ बस इतना ही करना हमारे लिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना, ठीक है। जो भी आपकी परेशानी होगी हम उसका निवारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए, तो ये इतनी होगी, रिया ना मिली माली को आड़ में। तो आई होप यहाँ तक तो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से आप इन सबको याद रख लेंगे। आगे देखिए, उसके बाद में भरत मानता है, भरत मानता है बच्ची है वह, झूठ बोलकर मैं रब की मार खाना नहीं चाहता। तो यहाँ पर जो रेड कलर से जो शब्द लिखे हुए हैं इन्हीं में बाकी की कंट्री हैं, ठीक है। सबसे पहले भरत से हो गया भारत, भरत से हो गया भारत, ओमान, मान से हो गया ओमान, ता से हो गया ताइवान, ब से हो गया बांग्लादेश, और ची से हो गया चीन, व से हो गया बहमास, व से बहमास, और मै से हो गया मैक्सिको, और रब से हो गया, दोस्तों रब से याद रखना, एक तो सऊदी अरब, अरब में भी रब आ रहा है, और संयुक्त अरब अमीरात, और मार से हो गया दोस्तों म्यांमार, म्यांमार से हो गया म्यांमार। तो दोस्तों यहाँ पर जो ग्रीन कलर से आपको नजर आ रहे हैं ये पढ़ते हैं एशिया में, ये एशिया के देश हैं, ठीक है। और इनमें जो येलो कलर से हैं ये हैं उत्तरी अमेरिका में, तो बहमास और मैक्सिको है उत्तरी अमेरिका में जो कर्क रेखा पर पढ़ते हैं। तो आई होप ये पूरी ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। 2 से 4 बार जब तक आपको याद ना हो दोस्तों इस वीडियो को देखते रहना, आप यकीनन इस टॉपिक से जब भी प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में गलत करके नहीं आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप पुरानी वीडियोज़ को देख लें। टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ सकते हैं आप, ठीक है। जो भी पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।